पीस के बंदे हैं। हम लोग चंडीगढ़ से इतने दूर से आए हुए हैं, देख लो कैसे पुलिस वाले कैसे हालत किया है। और देख लो न किसी के पास खाने का सामान है न किसी के पास, और जो बिस्कुट भरे थे उसको बैग छीन ले गए। मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं असरार अहमद। पूरे देश से मजदूरों की दिल दुखा देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। किसी तरह पैदल चलकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं तो वहां रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए बस का इंतज़ाम किया जा रहा है। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी कोई बस उन तक नहीं पहुँच रही है। वो सीमा पर लगे बैरिकेड को तोड़कर अंदर घुस जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज उस वक्त गाजियाबाद में भीड़ जमा हो गई जब उनका रजिस्ट्रेशन किया जाने लगा कि आपको घर भेजा जाएगा, आपके लिए बस का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये नज़ारा यूपी के गाज़ियाबाद का है, जहां घर लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने मजदूरों की भारी भीड़ जुटी हुई है। ना ही कोई शारीरिक दूरी है और ना ही कोई पीपीए किट में है। सरकार पूरी तरह नाकाम है, सरकार के दावे फेल हो रहे हैं। ट्रिलियन इकोनॉमी वाले मजदूरों के खाने का इंतज़ाम कर देते तो ऐसा मंज़र देखने को कभी नहीं मिलता। ऐसी ही एक और भयावह तस्वीर प्रवासी मजदूरों की आ रही है। किसी तरह उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर पहुंचते हैं, पुलिस लाठी डंडों से मारकर इन्हें भगा देती है। इन प्रवासी मजदूरों के साथ इतनी बर्बरता हुई कि इनके बैग भी छीन लिए गए। खाने पीने की चीज़ें इनके पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वो सब पुलिस वाले ने उस बैग को ले लिया है, सारा सामान उनका उसी में था। अब ये मजबूर हो गए हैं और किस तरह छिप कर बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनके दर्द को सुने। हाँ जी, हम लोग यूपी के बंदे हैं, हम लोग चंडीगढ़ से इतने दूर से आए हुए हैं, देख लो कैसे पुलिस वाले कैसे हालत किया है। और देख लो न किसी के पास खाने का सामान है न किसी के पास, और जो बिस्कुट भरे थे उसको भी बैग छीन ले गए हैं। और हम लोग बताओ कहाँ जाए, देखो कैसे हालत पड़ी है बेचारों के। और देख लो जी, सब लोगों को देख लो ऐसे। और हम लोग न कोई साधन है न कुछ नहीं, बताओ पास वास सब बना हुआ लेकिन कोई जाने नहीं दे रहा है, न पुलिस वाले सब बॉर्डर पर रोक रहे हैं। और बताओ सब भूखे प्यासे सब लोग ऐसे ऐसे जंगल में बैठे हैं, पानी वानी पीने कोई भी कुछ भी नहीं मिला है। देख लो जी, ये देखो सारी बोतलें खाली पड़े हैं, इसकी तबीयत नहीं सही। देखो इसकी भी कैसे हालत पड़ी हुई है। अब बताओ पानी बिना कहाँ जाए, हम लोग यहाँ कोसों मिले से देख लो कितने कहीं गाँव नहीं दिख रहा है। आज हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं, पैदल आए हैं जंगल। बाबू जी कुछ मदद कर दीजिए, हम लोग यूपी बॉर्डर पर है, पुलिस वाले मार रहे हैं, बैग भी छीन ले गए, भूखे प्यासे पड़े हैं, कुछ हेल्प करिए नहीं तो हम लोग यही मर जाएंगे, उसके जिम्मेदार होंगे आप लोग। बाद में ये नहीं कहना कि सर जी कुछ मदद कर दियो। भाई देख लीजिए कैसे कैसे सब लोग पड़े हैं, अब इनको बताओ न कहने रहने का जगह है न कुछ नहीं, अब ये लोग कहाँ जाएं भाग के बताओ। अब बताओ निगोहा के हैं, थाना निगोहा लगता है इन लोगों का, जिला लखनऊ। सब लोग इतनी दूर से पैदल चल के हुए आए हैं लेकिन फिर भी कोई सहारा नहीं दे रहा है, और पुलिस वाले को सहारा करो तो भी वो लोग मारते हैं। स्टेशन पे गए, स्टेशन पे ना ट्रेन मिल रहा है ना कुछ नहीं मिल रहा है, पास वास सब भी बना है लेकिन ट्रेन पे अगर स्टेशन पे जाते हैं तो भी डंडा मार के भगाते हैं पुलिस वाले। ठीक है, इनका जल्दी जल्दी कुछ कीजिए नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सब मर जाएंगे ऐसे ही। एक और खबर जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आ रही है कि पैसा नहीं था, महिला गर्भवती थी, पैसा न होने की वजह से उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। ये मामला है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का। चारों नर्सिंग होम एक हॉस्पिटल है जो बलियापुर रोड पर है, वहाँ पर महिला गर्भवती थी, वो गई हॉस्पिटल में, उसके पास पैसे नहीं थे,
अस्पताल वाले कुछ ज़्यादा पैसे मांगे, वो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से अस्पताल से बाहर कर दिया गया। कई घंटे तड़पने के बाद बच्चे को जन्म दी, लेकिन बच्चा फिर मर गया था। पुलिस के पास इसकी जानकारी गई, पुलिस पहुंचती है और उसके बाद इस अस्पताल वालों के खिलाफ FIR होती है। समझ सकते हैं कि पैसा ना होने की वजह से एक महिला को अस्पताल से बाहर निकाल दिया जा रहा है। जब एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, लोगों की नौकरियां चली जा रही हैं, ऐसे वक्त में अस्पताल वाले खूब जम कर पैसा उनसे मांग रहे हैं। जो मरीज़ आ रहे हैं, अगर कम का इलाज है तो ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसे ही एक गरीब महिला थी, इसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसको अस्पताल से निकाल दिया गया और उसके बाद जो बच्चे को जन्म देती है उस बच्चे की मौत हो जाती है। यह महिला मानधाता पुरैला की रहने वाली है, वहाँ से आई थी। पहले वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जब हालात ज़्यादा सीरियस थी तो उसको प्रतापगढ़ रेफ़र कर दिया गया। जब प्रतापगढ़ चारों नर्सिंग होम हॉस्पिटल पहुँचती है तो अस्पताल वाले ज़्यादा पैसे का मुतालबा करते हैं, नहीं दे पाने की वजह से उसको अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप समझे कि पूरे देश से प्रवासी मजदूरों की ऐसी भयानक तस्वीरें आ रही हैं जो दिल दुखा देने वाली हैं। सरकारें इनके लिए कुछ नहीं कर रही हैं। अगर समय रहते हुए इनके लिए कुछ किया गया होता तो आज इनकी हालत ऐसी नहीं होती। वो बॉर्डर तक किसी तरह बेचारे पैदल चलकर या किसी और साधन से पहुंच रहे हैं, लेकिन बॉर्डर की सीमाएं सील कर दी गई हैं, उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है कि जो प्रियंका गांधी ने बसें भेजी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको मान लिया है और 1000 बसों को चलाने की अनुमति दे दी है। आज उनके लिए रजिस्ट्रेशन किया गया गाज़ियाबाद में। तो आप सब ने देखा कि किस तरह पूरे प्रवासी मजदूर एक साथ जमा हो गए, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही पर्याप्त तादाद में वहाँ पर पुलिसकर्मी हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पालन करा सकें। लोग इतने मजबूर हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, वो पैदल चलकर बहुत दूर से आए हुए हैं, बेबस हैं, इसकी वजह से उनके दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनी हुई है। सरकार लगातार कह रही है कि कोरोना फैलते जा रहा है, लेकिन सरकार खुद ही कोरोना को नहीं रोकना चाहती। अगर कोरोना को रोकना चाहती तो आज ऐसे भीड़ वहां पर कभी नहीं जमा हो सकती थी।